Tweets. हाँ जी हाँ, अब इसको फैलाना है। हाँ बस बस बस, थोड़ा नीचे होता है तो पीछे लड़ेगा। स्क्वीज और नेक थोड़ा सा ऊपर रखोगे तो चले। हाँ ये अपने को नेक ऐसे भी ऊपर रखो, स्ट्रेन आ रहा है। शाबाश, इसमें हैवी जाने की कोई जरूरत नहीं। इस पे जितना भी ब्लड पंप कर सकते हैं हम लोग उतनी अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर इनर चेस्ट, और जब हम स्क्वीज करते हैं तो एक्सपांड अच्छा होता है। हमारे हीरो साहब, लेकिन मैंने अभी आपको बता दूं सब कि मैं अभी थोड़ा सभी करके आया हूँ। हाँ नो असली, डोंट कम इन दिस वर्ल्ड, दिस इज वेरी क्रूल। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं है असली। माँ नहीं नहीं तुम नहीं, मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई। बता फॉर्म एक बार ये हाँ। है वहाँ यहाँ पे एकदम आगे स्ट्रेच नहीं करना है, यहाँ पे आइडिया ये है कि इसको स्क्वीज करना है, तो बस ये ना। हाँ ये सही है, अपने हिसाब अपने हिसाब से स्क्वीज करना उसको, ठीक है ये। एंड देन यू स्ट्रेच ये। हाँ एंड देन वाइड का उतना नहीं, उतना ये वाइड खाली इतना है कि इसको मैंने फैला दिया, मतलब ये नहीं है। हां अच्छा, यहां से डाउन है इसको ये भाई। हां ये हां एंड देन स्क्वीज। हां नीचे थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ब्रो ये। सो गाइस, एक वर्कआउट टिप, हर वर्कआउट दो ही चीज से बनती है, एक स्ट्रेच एक स्क्वीज। यस, और रादर देन डूइंग क्या बोलेंगे भैया उसको, वेट ज्यादा ना करने से ज्यादा अच्छा होता है। बॉडी वेट रेपिटेटिव रेपिटेशन अगर आप ज्यादा करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, भाई के एमएमएस है वीडियो ईगो लिफ्टिंग में कभी नहीं जाना है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे 50 उठा रहा है तो मैं 60 उठाऊंगा, नहीं नहीं। रेप्स प्रॉपर करोगे तो बॉडी इतनी अच्छी बनेगी, इतनी डिफाइन होगी कि हमें ईगो लिफ्टिंग में जाने की जरूरत नहीं, और देर सवेर तुम्हारा बॉडी खुद अलाउ करेगा कि हाँ इतना उठाओ इतना उठाओ। और ट्रेनर के लिए भी एक चीज है कि अटेंशन अपने सब्जेक्ट से हटाए ना। शाबाश। सो ज्यादा वेट उठा के या फिर ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करिए। अगर आप 10 भी कर रहे हैं, 4 सेट कर ये पूरा ब्लड लाना होगा। शाबाश, उससे आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी बनेगी। स्क्वीज दबा के स्क्वीज कर, शाबाश शाबाश, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी। एंड दबा, शाबाश। आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड बिकॉज़ आफ्टर शूट 90% ऑफ एनर्जी यू नो ड्रेन द वे। एंड स्क्वीज दबा, वॉच। वाटर इनटेक प्लीज अच्छा रखना, जिम में आप स्वेट करते हो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पानी जितना पियोगे उतना अच्छा। सो भाइयों पानी पी लो। मैंने पिया। हाँ और बताओ खाने में क्या बनाता है। हाँ वेट थोड़ा बढ़ाए हम लोग दादा, इसकी क्या ड्राइंग करनी पड़ेगी। हाँ जितना किया हमने वैसा सेट वाला, तो ये तीसरा वेरिएशन है, तीसरा चौथा, इसके बाद दो और कमेंट ना, दो वेरिएशन और करेंगे, ठीक है। और फाइनल जो है स्टैंडिंग पुशअप करेंगे, उसके बाद खत्म करके फिर ट्राइसेप्स पे आएंगे। चलो तुम ट्राई स्टार्ट करो, मीन पहले 11 लगा।
मतलब फ्लाई स्टार्ट कर कभी कभी गंदी जो भी शाबाश पूरा ब्लड उधर लेके बोलूंगी तो कैसे बोलू डिमांड आ रही है कि तुम शर्ट उतार के चलो। एक बार ये सेट खत्म हो जाए फिर से लोग तुम्हें नग्न अवस्था में देखना चाहते हैं। और किसी ने भी हिम्मत करी मेरे से बोलने की तो I love you world cup, thank you so much. Hello, hello. I'm sorry मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ. I just wanted to show you all how I do my workout. As you know, I keep surprising with you my life. Fine, very well. I do work out every day because that's the thing which really motivates me every day. And this is something very, really important. And I want you all to stay fit, stay healthy, no matter what. And stay healthy and fit, and be fit. And mentally and physically, you'll be happy. अभी टाइम है बट बहुत जल्द अलादीन की मेमोरी वापस आएगी और जब आएगी तो फिर तो मेरे को ये एपिसोड बहुत अच्छे लग रहे हैं अलादीन के बहुत सो मच आई एम लिटरली फॉलोइंग द शो थैंक यू सो मच अरे विनोद मिल गया कोई तो बोला आई एम विनोद चेंज हो गया शेयर योर डाइट टिप्स दिन के तीन छोले भटूरे खाओ दो पानी पूरी टिक्की डाल वेरी राउंड और अच्छे से अच्छा आउटकम टू इतने यू नो ब्लड प्रेशर वैसे पहले भाई दोनों के एक ही जगह सिंपल नाप के निकला है सॉरी 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 वर्कआउट भाई भाई डबी 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 बता दीजिए क्या करने वाले यहाँ से आवाज नहीं जाती डंबल से जो वर्कआउट कर रहे हैं अपेरेंटली ये बाहर से आप लोग करते हैं ठीक है डंबल से ये फायदा होता है कि दोनों हाथ इक्वली बैलेंस रहते हैं बाहर में कहीं ना कहीं आई फील के थोड़ा सा चीट कर सकते हैं एक हाथ डोमिनेटिंग होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है उससे वेट होता है ये करके यू गो डाउन एक अलग स्ट्रेच यहाँ पे मिलेगा सो वेन यू कम्प्लीट टेंथ से इसको रोल करेंगे तो इसका अलग स्ट्रेच इनर आउटर यहाँ ये तीनों जाएगा भैया मैथ्स नहीं पढ़ानी है ये जिम के संजीव कुमार हैं अगर ये बिल्कुल नहीं समझ में आया हो तो मेरी गलती नहीं
बस नाम बता दिया। ये कुछ कर रहा है डंबल से, दो वेरिएशन होंगे उसके अंदर, देखो क्या मजा आता है। मैंने किचन में खाना बनाते हैं, बता रहे दो बूंद अदरक लेनी है, तीन बूंद नींबू के डालने, स्वाद अनुसार अपेरेंटली चेस्ट वर्कआउट कर रहा है। अच्छा वर्कआउट है, ध्यान दे रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुद्दा ही खत्म। फोकस करो, फोकस। सिक्स।